दर्जा मांग रही है, पहले यूपीए में थे तो काहे नहीं दे दिए विशेष राज्य का दर्जा, नीतीश जी के दम पर ही केंद्र की सरकार चल रही है, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए। जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जब मन हुआ कह दिया विशेष राज्य का दर्जा, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। ये समय खोटा करना है। कांग्रेस का यहाँ विषाद क्या है, कांग्रेस की औकात क्या है भैया? कांग्रेस विशेष राज्य का दर्जा मांग रही है, पहले यूपीए में थे तो काहे नहीं दे दिए विशेष राज्य का दर्जा, अभी नीतीश जी के दम पर ही केंद्र की सरकार चल रही है, काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिए? जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जब मन हुआ कह दिया विशेष राज्य का दर्जा। पहले आप खड़ा होकर समझिए कि विशेष राज्य का दर्जा का मतलब क्या है। विशेष राज्य के दर्जा का मतलब बस इतना ही है कि जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसमें जो केंद्र का कंट्रीब्यूशन है, अभी मान लीजिए कि 100 रुपया अगर सर्व शिक्षा के नाम पर सरकार खर्च करती है, 60 रुपया केंद्र से आता है, 40 रुपया राज्य से आता है। अगर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो संभव है कि केंद्र 60 के बजाय 80 देने लगेगा, लेकिन अगर वो पैसा आ भी जाए तो क्या सारे विद्यालयों की स्थिति सुधर जाएगी? पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने, इसको ध्यान रखिए, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार ने 51,000 करोड़ रुपया खर्च किए बगैर सरेंडर कर दिया। मनरेगा में सरकार का यूटिलाइजेशन है पिछले साल 39%, मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के लिए इस राज्य में आ सकता था तो हम लोग सिर्फ 39 रुपया लेकर आए, और आप कह रहे विशेष राज्य का दर्जा दे दो। अरे भाई, ज्यादा पैसा दे दोगे तो क्या उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा, उससे कमीशन खोरी बंद हो जाएगी? जब आपके पास जो संसाधन है उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो और ज्यादा संसाधन अगर आ भी जाए तो उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। जब तक यहाँ की व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक बाहर के पैसे से कोई यहाँ सुधार होने वाला नहीं है। पहले व्यवस्था सुधारिएगा। पहले बाल्टी में अगर छेद है तो कितना भी पानी ऊपर से डालिएगा तो नीचे से बह ही जाएगा। पहले बाल्टी ठीक होगा तब ना पानी उसमें ठहरेगा। तो यहाँ की तो पूरी व्यवस्था में छेद है, छेद है। पैसा लूट, ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा पैसा लूट होगा यहाँ पर, उससे जनता को कोई फायदा नहीं है। और ये विशुद्ध तौर पर राजनीतिक प्रयोजन का मामला है। आप देखिए, सिंपल सी बात आप पूछिए नीतीश कुमार से, उन्हीं के समर्थन से ये देश की सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार को बिहार की चिंता होती तो नीतीश कुमार ने मोदी जी से, भाजपा से क्या मांगा? अपने और अपने दल के नेताओं के लिए मंत्री पद मांगा, अपने लिए मांगा कि हम ही मुख्यमंत्री अगले 5 वर्ष और रहे। नीतीश कुमार ये भी तो कह सकते थे कि बिहार में भाई 35-40 चीनी मिल बंद है, इसको अगर चालू कराइएगा तो हम समर्थन आपको देंगे, बिल्कुल आपका चीनी मिल चालू हो जाता। लेकिन नीतीश कुमार को चीनी मिल चालू तो कराना नहीं है, फैक्ट्री तो लगाना नहीं है। अगर आज केंद्र की सरकार देश के उद्योगपतियों को बुलाकर कहे कि तुमको हर जिला में एक फैक्ट्री लगाना है, तो किस उद्योगपति का हिम्मत है कि यहाँ पर नहीं लगाएगा फैक्ट्री? लेकिन इसकी चर्चा कभी हुई है? आप पत्रकार खुद हैं, कोई आप हमको ऐसा खबर बताइए कि नीतीश बाबू आज गए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री गए हैं केंद्र सरकार से बात करने के लिए कि भाई बिहार में चीनी मिल चालू कैसे होगा? भाई मुख्यमंत्री कब जाते हैं कि जदयू को सीट कै गो मिलेगा, इसके चर्चा के लिए 2 दिन दिल्ली में बैठे हैं। MLC का टिकट किसको मिलेगा, राज्यसभा कौन जाएगा, इसके चर्चा के लिए दिल्ली जाके बैठे हैं। मंत्रालय कौन मिलेगा, इसकी चर्चा के लिए समय है। लेकिन बिहार के बच्चों का पलायन कैसे खत्म होगा, काम हो ना हो, आप हमको बताइए। आप पत्रकारिता करते हैं, 18-19 साल में एक भी कोई कार्यशाला, वर्कशॉप, कोई मीटिंग, कोई ऐसा प्रयास हुआ हो केंद्र और राज्य के स्तर पर कि भाई बिहार से पलायन को कैसे रोका जाए? अरे आप प्रयास शुरू करोगे तब तो कुछ होगा या नहीं होगा, आप तो प्रयास नहीं कर रहे हो। मान लिए वो कहता है, उल्टे हंस के कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली बॉम्बे नहीं रहेगा तो वहां का व्यवस्था ठप हो जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, ये इसका ये कोई अभिमान की बात नहीं है कि हम लोग दिल्ली में नहीं रहेंगे तो व्यवस्था ठप हो जाएगा। यहाँ के नेताओं का हालत देखिए, कहता है कि बिहार का आदमी दिल्ली में नहीं रहेगा तो रोड पर कूड़ा कचरा फैल जाएगा, सब्जी नहीं बिकेगा। अरे भाई, अगर हम लोग के भाई बंधु जाकर वहां कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं ठेला पर, तो ये कोई अभिमान की बात है? अभिमान की बात तब न होती कि बिहार के लड़के सब्जी पैदा करते यहाँ गया में, औरंगाबाद में, और यहाँ से ट्रेन से हम लोग दिल्ली भेजते, तब ना अभिमान की बात होती कि अगर बिहारी कह के गाली दोगे तो यहाँ से सब्जी का सप्लाई बंद कर देंगे, यहाँ रोजी रोजगार होता,
नेता यहाँ हंस के कहता है हम लोग तो इतना बिहारी मेहनत करने वाला है कि हम लोग बॉम्बे दिल्ली हर जगह जाकर काम करते हैं, कहीं जाकर काम करने में शिकायत नहीं है, लेकिन मजबूरी में जाकर मजदूरी करना पड़े ये कोई शान की बात नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।